स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू एमसीए एंट्रेंस बैच 2020-21 सेशन के लिए। और इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ फाउंडेशन बैच को भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, जो बीसी और बीएससी सेकेंड ईयर में है वो बच्चे भी कंटिन्यू कर सकते हैं इस बैच के लिए। तो जो नए बच्चे आने वाले हैं उनको मैं आज बताना चाहता हूं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं एमसीए एंट्रेंस की, वो नहीं जानते हैं कि कौन से कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो सकता है या किस कॉलेज के लिए मैं कितना एलिजिबल हूँ। तो पहली चीज़ तो आपको इसके लिए अवेयर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की नहीं होती है तो बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सेशन इसलिए रख रहे हैं कि आपको ये जानकारी हो जाए कि कौन सा कॉलेज आपके लिए परफेक्ट है और किस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप। तो पहली चीज़ तो एमसीए के लिए जो एलिजिबल बच्चे हैं वो कौन कौन से कॉलेजेस हमारे पास हैं, जो पहले बात तो ध्यान रखें, जो एलिजिबल होते हैं वो एक्चुअली में बीसीए वाले बच्चे कर सकते हैं या बीएससी वाले बच्चे कर सकते हैं। बीएससी सीएस के भी हो सकते हैं, मैथ्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। यही तो सेक्शन है जो बच्चे एमसीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक छोटी सी बात और आपको बतानी है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपके लिए, आपके रैंक के लिए, आपके प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, जहां पे हमारे हजारों बच्चे उस टॉप कॉलेजेस में पहुंच करके अपने आप को प्लेस्ड किया। आज बड़ी से बड़ी कंपनी जितनी आप जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एसेंचर, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, जितनी भी कंपनियां हैं, आप सब कंपनी में ब्राइट इंजीनियर्स एकेडमी यानी मेरे इंस्टीट्यूट के सारे बच्चे प्लेस्ड हैं और अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। इवन इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बच्चे हमारे इन्वॉल्व हैं, और साउथ कोरिया में सुमित अवस्थी जैसे इन्वॉल्व है, आपको पूरा बैंगलोर भरा हुआ नजर आएगा ब्राइट इंजीनियर्स एकेडमी के स्टूडेंट्स के। तो आपको हर कॉलेज में आपके सीनियर्स हैं, आपको जानना है। अगर आपको आपके पास कॉलेज कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अगर सजेस्ट करूंगा तो एक सबसे बड़ा एग्जाम जो आपके लिए होता है निमसेट का। तो ये निमसेट जो होता है ये एनआईटी से रिलेटेड कॉलेज है, जिसमें सारे के सारे बच्चे एमसीए के यहां कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। तो एनआईटी सबसे टॉप क्लास का कॉलेज है, जिसमें आप जानते हो जब आप इंजीनियरिंग करते हो तो आप एनआईटी के लिए, आईआईटी के लिए दो जगह प्रिपेयर्ड होते हो। तो लेकिन अब आपके पास तो आईआईटी है नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ आपके पास एक एनआईटी चांस है और एक सेकंड चांस आपको मिला है बीसी और बीएससी के बाद कि आप फिर दोबारा इस कॉलेजेस में आप पहुंच सकते हो जो अपने 11th 12th के बाद नहीं पहुंच पाए हो। तो बच्चों ये एक सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है। अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट है 871 सीट्स है ये सीट्स, और इसमें मिनिमम जो परसेंटेज चाहिए वो 60% चाहिए। तो 60% चाहिए, इसका मतलब समझ सकते हो कि जो 60% से बिलो होंगे वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। तो जो भी बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं परसेंट वाइज, उनके लिए बड़ी समस्या आने वाली है बीसी और बीएससी में भी। और मैं बात स्पेशली बोल देता हूं सभी बीसीए और बीएससी वाले बच्चों को कि ये परसेंट एलिजिबिलिटी के लिए तो है, लेकिन अंदर जब प्लेसमेंट में आपके साथ होगा तो आपके साथ वहां भी गड़बड़ होगा। तो आप जरूर से जरूर अपने परसेंटेज को 75-80% के रेंज में पहुंचा के रखें अपने बीसीए के रिजल्ट्स को या बीएससी के रिजल्ट्स को, तभी आप वहां पे भी, बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो आपको बाहर कर देती है, आपको एग्जाम में नहीं फेस करने देंगी। तो आप बिल्कुल गलती ना करें। और स्पेशली मैं देखता हूं हमारे वीरेंद्र स्वरूप यूआईटी के बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बीसीए के परसेंटेज में, तो भाई ये बड़ी गड़बड़ बात होने वाली है। डैम्स के भी, पीएसआईटी के भी, सब लोग ये लोग बहुत ध्यान रखें, जिनको मैं ज्यादा अटैच्ड है हमारे से, वो सब लोग ध्यान रखें कि आपको परसेंटेज बहुत अच्छा क्रिएट करना है। 75-80 के साथ साथ काम करोगे। अगर यूआईटी की बात करें, अभिषेक शुक्ला 84 सेकेंड रैंक, उसके आपके सीनियर सारे टीचर्स आपको बताएंगे उसके बारे में, नाउ ही इज वर्किंग इन सैमसंग। तो आपको भी बहुत अच्छे से काम करना है, एक हाईली पैकेज और कब पे काम करना है तो ही, तो इस तरीके से आप इंप्लीमेंट करके रखोगे। अगर आप परसेंट नहीं बना रहे हो तो आप नुकसान कर रहे हो, और जिसके 60% से नीचे है वो तो भाई पढ़ना ही बंद कर दो, कोई मतलब नहीं तुम्हारे पढ़ने लिखने का, क्योंकि तुम्हारा परसेंटेज अगर डाउन है तो तुम किसी लायक नहीं हो, ना फॉर्म डाल पा रहे हो, तो कॉलेज की तो बात ही छोड़ दो।
अब क्या करोगे तुम्हें पता नहीं है। तो अगर जो भी सेकेंड ईयर में है, जो भी थर्ड सेमेस्टर में है या फर्स्ट सेमेस्टर में है, वो सब लोग स्टार्टिंग से ही ध्यान रखें कि अपने बीसी और बीएससी के फर्स्ट परसेंटेज को बहुत हाइट करके दें। अगर आप अच्छी ग्रोथ में चाहते हो कि मैं 10 15 20 लाख 50 लाख के प्लेसमेंट पे काम करूं, आपकी जो लाइफ स्टाइल आप सोचते हो, जिस बारे में सपने में देखते हो, वो सपना अगर पूरा करना है तो भैया वहां मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने 11 12 से मेहनत नहीं की है तभी आप ये बीसी और बीएससी कर रहे हो। तो दैट मीन्स ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है और इस बात को बहुत ध्यान से आपको सीरियसली काम करने की जरूरत है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज क्रिएट करिए और मिनिमम मैं बता रहा हूं 60% चाहिए। अगर बच्चों एक प्रॉब्लम ये है कि आप अच्छी बात भी है जो 60% है उनके लिए क्या है कि निम्सेट के एग्जाम से ही कनेक्टेड और भी बहुत सारे कॉलेज अटैच्ड हैं। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ एक एग्जाम निम्सेट का देना है, बाकी कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं एचबीटीयू कानपुर, इसी से अटैच्ड। तो अब हम बात करते हैं दूसरा, एक हमारे पास आईपीयू है दिल्ली, जिनका मन है दिल्ली में जाने का और आईपीयू के फॉर्म भी भर सकते हैं। तो एचबीटीआई में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एचबीटीआई की अगर हम बात करते हैं तो 78 सीट्स है। ऐसे ही हमारे पास आईपीयू की बात करते हैं तो 880 सीट्स हैं अवेलेबल है। और अगर हम लोग बात करते हैं दूसरा, एक हमारे पास एचसीयू हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी आपको आपके लिए जो आपके पास सीट्स अवेलेबल है टोटल 60 सीट्स है। इसका मतलब आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है और बाकी सारे कॉलेजेस इसी से अटैच्ड है, तो आपको दूसरे एग्जाम की तरफ मुंह खोल के भी नहीं देखना है। इसका मतलब सारा सिलेक्शन आपका इसी से हो जाना है, एक्स्ट्रा किसी कॉलेज में आपको कोई एग्जाम नहीं देना, यानी वन एग्जाम पूरे ऑल इंडिया में आपको टॉप कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे और यही कॉलेज है जो आपको प्लेसमेंट दिलाते हैं। और प्लेसमेंट चाहिए तो आपको निमसेट का एग्जाम क्रैक करना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं जो बैच स्टार्ट कर रहा हूं वो सब एमसीए एंट्रेंस के बैचेस के लिए है, तो एमसीए एंट्रेंस का बैच स्पेशली मैं निमसेट के लिए काम करता हूं। मेरा जो स्पेशलाइज्ड वर्क है वो किसके लिए है, निमसेट के बच्चों के लिए मैं काम करता हूं। तो हजारों बच्चे ब्राइट इंजीनियर्स एकेडमी से टॉप आईआईटी एनआईटी बीएचयू डीयू सब जगह पहुंचे हुए हैं और आज उनमें से बहुत सारे बच्चे प्लेस्ड हैं बहुत अच्छी कंपनी में, अभी जैसे मैंने आपको बताया नाम सारे। तो आप भी हो सकते हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सारे सीनियर्स आपको मैं बोलूंगा वो सपोर्ट करेंगे आपको हर चीज में, आपको प्रोसेस में, आपको रिजल्ट बनाने में, लेकिन यहां पे आपको सिर्फ आपका जो काम है वो परसेंटेज। तो स्पेशली जो बीसीए बच्चे कानपुर के हैं या कानपुर के बाहर है के हैं, जैसे हमारे पास पिछली बार मुजफ्फरनगर के बच्चे थे, हमारे पास बिहार के और हमारे कुछ उत्तराखंड के बच्चे थे, एमपी के बच्चे थे हमारे पास, बीसीए के जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे आए थे। तो आप सब लोग फिर से एक बार आकर के ज्वाइन करें ब्राइट इंजीनियर्स एकेडमी को, अगर आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी पे जाना है तो। कुल आपको सीरियस होना है, एक रेगुलर पैटर्न है, स्ट्रिक्ट रूल है हमारे पास, सिस्टमैटिक प्लान है जिससे कि हम बच्चों को सिलेक्शन कराते हैं। तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आपकी लाइफ के लिए। तो आज के आज ही जो आपको फोन नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कर दो, व्हाट्सअप कर दो मुझको और आके तुरंत ही ज्वाइन कर लो। हॉस्टल भी अवेलेबल है, गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज के लिए भी है। आप बिल्कुल एक प्रोसेस में रहोगे, शेड्यूल्ड है, एक एग्जाम है, तो सारे बच्चे ज्वाइन करो बिल्कुल भी बिना देरी किए। और बीसीए की सेमेस्टर की क्लासेस भी हम लोग कंटिन्यू कर दिए हैं बच्चों के लिए, जो भी परसेंटेज में फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम वो सब लोग बिना देर किए एक सेकंड भी यूआईटी पीएसआईटी वेरेंस रूप और एलन, कोई भी बच्चा जो कानपुर का है हमारा बता, कोई भी बच्चा बिल्कुल भी देरी ना करे ब्राइट इंजीनियर्स एकेडमी के सेमेस्टर क्लासेस को ज्वाइन करने में। बिकॉज अगर हम लोग के यहां ज्वाइन नहीं करोगे तो परसेंटेज आप प्रॉब्लम फेस करोगे और आपका परसेंटेज हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग परसेंटेज 75-80 के आसपास जनरेट करके देखो। आपके सारे सीनियर्स ने बहुत अच्छा परसेंटेज जनरेट किया, जब आप पाओगे तो आपको बहुत अच्छी लिस्ट मिलेगी, सारे बच्चों के सीनियर के नंबर मिलेंगे, आप उनसे बात करोगे अच्छा फील होगा।
तो आपको भी मजा आने वाला है कि आप इस परसेंट रेंज को आप फाइंड आउट करो। अच्छा, कुछ कॉलेज और हैं जिसके बारे में मैं बता देता हूं। कुछ लोग जो जानना चाहते हैं कि सर वो स्पेशली जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको परसेंटेज में बड़ी समस्या है। हमारे कुछ सीनियर स्टूडेंट्स भी, तो आप लोगों के कुछ सीनियर स्टूडेंट बहुत तेज होने के बावजूद वो बीएससी किया हुआ था, उनका परसेंट बहुत डाउन था, तो बेचारे उनका कैरियर बिल्कुल कैसे चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। ये मुझे बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोग बीएससी वाले स्टूडेंट जनरली, हमारे पता नहीं क्या कानपुर यूनिवर्सिटी का तो रिजल्ट क्यों इतना गड़बड़ है, बीएससी के बच्चों का कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे राहुल बंसल सर मैथ में इतना मेहनत कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, और अरविंद राजपूत जी इतना मेहनत कर रहे हैं, इरशाद सर है उधर साउथ में, कुलदीप सर हैं, एस एन कुशवाहा जी है, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के साथ बीएससी में, फिर भी आप लोग परसेंट नहीं क्रिएट कर रहे हो, तो ये बेटे बड़ी समस्या है। तो इसको आप लोग क्रिएट करो, मेहनत करो अच्छे से, और बीएससी में भी परसेंट को लाओ। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे परसेंट अच्छा क्रिएट किया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करो कि आप बीएससी को 60 के पास ऊपर तो लेके आना ही आना है, अगर आपको निमसेट में जाना है या बाकी इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है। तो फिर भी अगर मान लो कहीं ना कहीं चूक जाते हो, नहीं हो पा रहा है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पहुंच गए हो या फाइनल ईयर में हो गए, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। कौन से ऑप्शंस हैं? जैसे आपके पास है एक बेटा बीएचयू, एक अच्छा ऑप्शन है। बीएचयू में अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास तो बीएचयू का जो सिचुएशन है उसमें सीट की 57 प्लस 25 सीट्स हैं, ये सीट्स हैं। अब बीएचयू में जो परसेंट की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 50% है, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है बीएचयू, लेकिन सीट कम है, ठीक है, तो एक फाइट आपको करनी पड़ सकती है इस मामले में। जो अच्छा कॉलेज है, ठीक है, आपको प्लेसमेंट भी देता है, ठीक ठाक प्लेसमेंट भी आपको मिल जाता है आपके लिए, तो ये एक अच्छी चीज हो जाएगी। एक आपके पास ऑप्शन है सीईटी महाराष्ट्र, यहां भी बच्चे प्लेस्ड होते हैं और ठीक ठाक काम करते हैं प्लेसमेंट में, वर्किंग में बहुत ठीक पैटर्न पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो कॉलेज है वो अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जेएनयू का नाम तो आप लोग जो सुनते ही रहते हो, तो जेएनयू का भी कॉलेज है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के बच्चे वहां पे अच्छा काम करते हैं और अच्छा रिजल्ट बनाते हैं और प्लेसमेंट भी लेते हैं बाहर जाकर। वहां कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, बट ये है कि वहां पे सबसे फ्री ऑप्शन इसलिए रखो क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट नहीं होगा, प्लेसमेंट होगा जाके बाहर नौकरी ढूंढनी है, तो इसलिए ये ऑप्शन मैं आपको कट करके चलता हूं, ठीक है। तो सीनियर के थ्रू कैसे भी आपको प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन सबसे आखिरी ऑप्शन आप इसको रखिए। एक हमारे पास जो और भी कॉलेज है जिसको हम लोग स्पेशलाइज्ड बोलते हैं, जिसपे हम लोग काम कर सकते हो आप लोग, एक डीयू का कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, 60% इसकी परसेंट 60 चाहिए होगा तो वो भी 60% वालों के लिए हो गया, इसमें टोटल 60 सीट्स हैं, तो यहां भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे भी काफी अच्छा कंप्यूटर साइंस में परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट भी, हमारा तो एक स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर बन गया है, ब्राइट इंजीनियर अकेडमी का ही, वहीं से पास हुआ, वहीं पे क्या बन गया कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर है, तो उससे मैं बोलूंगा अगर तुम लोग सिलेक्ट होते हो तो नंबर भी वो दिलाने की कोशिश करेगा इन सेमेस्टर बहुत अच्छे से। तो बिल्कुल अब देरी नहीं करो, जल्दी से जल्दी ब्राइट इंजीनियर्स एकेडमी आगर के लखनपुर सेंटर पे तुरंत ही अपने एमसी एंट्रेंस के क्लासेस को ज्वाइन करो, एनरोल कराओ और जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, जिससे कि हम लोग बहुत आगे आपके लिए अच्छा सा अच्छा काम कर सकें। चलिए मिलते हैं आपको जल्दी क्लास में, बाकी कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन उसी नंबर पे आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल देरी किए बगैर सारे बच्चे ज्वाइन कर ले आज ही ब्राइट इंजीनियर्स एकेडमी को। थैंक यू। हे गाइस, दिस इज अमित सिंह, करंटली आई एम वर्किंग इन आईटी कंपनी आर्गस इंडिया एज ए स्किल डेवलपर इन बेंगलुरु। फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट आई हैड ज्वाइन ब्राइट इंजीनियर्स एकेडमी विच हैज ऑसम फैकल्टीज देयर। कोर्स स्ट्रक्चर इज वेरी वेल मेंटेन, ईच टॉपिक इज डिस्कस्ड इन डिटेल विच इज फॉलोड बाई वेरियस मॉक टेस्ट which is very effective and helps you to get a good score in your final exams. All credit goes to Mr. Vishal sir. Under his guidance, I was able to achieve my dream and got selected in one of the best colleges in India in ITK Suratkal. For your success, guys, I suggest you to go and join Bright Engineers Academy and get selected in your dream colleges.
That's all from my side. Best wishes, guys. Thank you.